नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक दिग्गज ऑयल एंड नेचुरल गैस रिफाइनरिंग कंपनी के बारे में। तो देखिए, जितने सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिफाइनरी एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कंपनी है, उनमें से नंबर वन पोजिशन में किसका नाम है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस का नाम सबसे आगे है। उसके बाद जिस कंपनी का नाम है वो है IOCL, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस अपडेट को और इस डेट को आपको जरूर याद रखना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट और बहुत सारी जानकारी यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और जितने सारे दोस्त अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल वन की मतलब अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है, और आप अपस्टॉक का भी लिंक दिया गया है। आप एंजल वन के माध्यम से अकाउंट ओपन करेंगे और अपस्टॉक के माध्यम से अकाउंट ओपन करेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। नीचे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर आप अकाउंट चेकआउट करिए। और हाँ, अभी तक आपने इंटरडे लेवल टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस का, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे आप दिखाऊंगा। तो पैरामीटर्स दिखाने से पहले मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप इस कंपनी का जो सिचुएशन है अभी ऑयल इंडिया मतलब जो IOCL है, तो इसका जो सिचुएशन है वो आप पहले कुछ दिनों में एक वीडियो बना के दिया था कि रसिया ने ऑयल का मतलब जो क्रूड ऑयल है, जो एक्चुअली देखा जाए तो ब्रांड क्रूड ऑयल है, उसको डिस्काउंट में इंडिया को बेचने वाले थे। तो डिस्काउंट में माल बेचे थे, तो उसका फायदा किसने लिया, IOCL ने लिया, HPCL ने लिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लिया। तो जितने सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है उसका फायदा यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसमें ऑयल का डिमांड लास्ट जो रिपोर्ट है मतलब 2022 एंड 2021, तो इसका जो रिपोर्ट यहाँ पे जो रिपोर्ट है ईयर एंडिंग का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखा जा रहा है तो इस साल सबसे ज्यादा ऑयल का डिमांड हुआ और सबसे ज्यादा ऑयल बेचा गया है इंडिया में, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑयल का प्राइस दिन के दिन बढ़ते जा रहा है और डिमांड भी किस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो इसी के हिसाब से ऑयल कंपनी में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिला। फिर भी देखना है इस कंपनी में किस तरीके से ऑयल को सेल आउट किया और किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस आ चुका हूँ। टोटल कंपनी के जो रेवेन्यूज है, मैं 2017 के बारे में बात करूँ तो करीबन 3,55,000 करोड़, 2018 में उससे थोड़ा बढ़ के बना 4,21,000 करोड़, 2019 में उससे भी थोड़ा बढ़ चुके थे 5,28,000 करोड़। उसके बाद लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ, उसमें कंपनी का टोटल रेवेन्यूज बना 4,83,000 करोड़, और 2021 में और भी कम हुआ। मुझे लगता है इस पीरियड में ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मानता हूं मैं 2020 में लॉकडाउन आया था, तो इस सिचुएशन में कंपनी का अर्निंग उतना ज्यादा नहीं ग्रोथ होने वाला था। फिर भी देखिए 2021 इस साल में बहुत सारा लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, तो मेरे हिसाब से इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा सेल आउट होना चाहिए था और सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी को मिलना चाहिए था। फिर भी देखिए 3,63,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। अभी देखना है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी ने तो 2017 में करीबन 20 करोड़ तक प्रॉफिट किया, 18 में 21 करोड़ का, 19 में 15 करोड़ का, और 2020 में कंपनी का लॉसेस हुआ था। कितना लॉसेस, करीबन 3,200 करोड़ का, और 2021 में फिर से रिकवरी किया और यहाँ पे ही टोटली फिगर चेंज हो गया। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रेवेन्यू जितना भी हो, रेवेन्यू अगर कम हो रहा है कोई बात नहीं, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। मान के चलिए आप 100 रुपया में कुछ शेयर मतलब 100 रुपये में कुछ प्रोडक्ट खरीद के आप 110 में बेचेंगे, तो आप कहेंगे मैं तो 100 क्वांटिटी और 100 रुपये में 100 क्वांटिटी बेच दिया हूँ, तो मेरा तो अच्छा खासा फायदा हुआ, चलो। मगर आप बहुत सारे दोस्त 50 क्वांटिटी बेचेंगे और वो भी ज़्यादा दामों में 110 नहीं 150 रुपया में, तो ज़्यादा फायदा इसी को होगा। तो यही सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट का जंप यहाँ पे अच्छा खासा दिखा। तो अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे, अर्निंग पर शेयर भी कंपनी के इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा बढ़ चुके थे। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्थ ऑफ इक्विटी, कंपनी के पास डेप्थ है, मानू जरूर कहूंगा डेप्थ है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी डेप्थ के बिना काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनी के पास डेप्थ है, बहुत सारे कंपनीज में डेप्थ नहीं है। तो आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं, तो कौन सा गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मुझे भी लगेगा कि आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं। तो आप कोशिश तो करिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो कंपनी के ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो 51.5% का होल्डिंग पहले भी था, अभी भी है, और वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। उसके बाद देखिए एफआईएस के बारे में बात करूं तो एफआईएस भी देखिए 8.5% तक माल उठा के रखा। डीएस भी यहाँ पे 11% तक माल उठा के रखा। पब्लिक भी यहाँ पे देखिए करीबन 28% तक माल उठा के रखा। इसका मतलब हर इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। तो इस कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 1,20,000 करोड़ तक आप बोल सकते हैं इसका मार्केट कैप है। कंपनी के पास डेप्थ ऑफ इक्विटी चलो उतना खास नहीं है, 0.85 इस तरीके से डेप्थ ऑफ इक्विटी तो होते रहते हैं। तो फिर भी देखिए इतना डेप्थ होने के नाते भी कंपनी ने 21,600 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो कंपनी के हाथ में करीबन 26 करोड़ से भी ज्यादा कैश है। अर्निंग पर शेयर 29 रुपीज है, चलो अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर है। कंपनी का डेटोस डे, कंपनी का इन्वेंटरी डे, कंपनी का वर्किंग कैपिटल सारे के सारे पॉजिटिव में है। हाँ, थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा दिखा। और इस कंपनी के सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो है इसका डिविडेंड। कंपनी जबरदस्त डिविडेंड देते रहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड में ही आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल इंडस्ट्रीज पी रेशियो है 19.3, उसके हिसाब से कंपैरिजन करूं कंपनी का पी रेशियो मात्र 4.34। इसका मतलब इसका पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है। कंपनी के बाकी पैरामीटर आप देखेंगे तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, क्योंकि नंबर वन रिलायंस है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो और आईएचसीएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़, तो 1,20,000 करोड़। तो इसका मतलब आप सोच लीजिए रिलायंस कितना आगे चल गया है। देखिए सिर्फ रिलायंस का तो ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस नहीं है, और भी बहुत सारे बिजनेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप जो टोटली क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट दिखेगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो देखेंगे तो आप कहेंगे सर इस कंपनी में निवेश करने से क्या फायदा। देखिए गवर्नमेंट कंपनी में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और लॉसेस होने का चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कॉर्पोरेट एक्शन से मिलेगा। जैसे देखिए बोनस, कंपनी तीन बार बोनस दिया। मान के चलिए 2019 में अपने 100 शेयर खरीद के रखे थे, वो 2009 में आपको बना 200 शेयर, क्योंकि एक के बदले एक शेयर मिलेगा, मतलब एक के बदले और एक शेयर मिलने वाला था, तो 200 शेयर हो गया। उसके बाद फिर से देखिए 2016 में 200 शेयर बन जाएगा 400 शेयर। उसके बाद देखिए 2018 में 1:1 400 शेयर बन गया 800 शेयर। इसका मतलब आप 2019 में अगर कोई 100 शेयर खरीद के रखे थे इस कंपनी का, आपको बन चुका है कितना 800 शेयर। अगर मान के चलिए आप तभी एक अराउंड आप अभी इसका प्राइस कितना है, मान के चलिए इस कंपनी का अभी प्राइस है 100 रुपया, तो आप मान के चलिए 80 रुपया में खरीद के रखे थे, तो आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 × कितना 800, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपका करीबन 16,000 रुपीज का। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना मिला, आपको मिलना कितना चाहिए था 20 × 100 मतलब 2,000 रुपया का, जो बन चुके हैं 16,000 रुपया। यही एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस तरीके से कंपनी में निवेश करने का। तो मैं ये नहीं कहूंगा इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप निवेश करना चाहिए, जरूर निवेश करिए, मगर ज्यादा निवेश मत करिए। गवर्नमेंट कंपनी में कुछ भरोसा उतना ज्यादा नहीं होते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा डेट जो आपको याद रखना है वो है इसका डिविडेंड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। 17 मई में इसका डिविडेंड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है, तो उस डेट में याद रखना, क्योंकि उस डेट में ही आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड के हिसाब से और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा। कंपनी ने बहुत बार एक सपोर्ट जोन को टच किया और एक रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग यहाँ पे देखने को मिला। मुझे लगता है इस लेवल में कंपनी काम करेगा। जब कोई भी लेवल एक ब्रेक करता है तो एक अपटेन और डाउनटेन किसी भी साइड में जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इस कंपनी में कभी भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो आप इस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि गवर्नमेंट कंपनी है तो ज्यादा निवेश मत करिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी जाकर आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब लेके, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।